सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े से कामयाब हो जाओ वे खैरात में मिलेंगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं खुला है। संसाधन की कमी नहीं, कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ज्यादातर लोग विफल होते हैं। आज का पंचांग 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 10:19 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र दोपहर 3:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:23 से 10:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:04 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मकर राशि 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, प्रभावशाली संपर्क बनाए रखने से और अधिक लंबे समय से चल रही चिंता से भी आपको राहत मिल सकती है। अगर संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह लेना उपयुक्त होगा। विदेश जाने का प्रयासरत लोगों के लिए अच्छी खबरें हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से तनाव कम हो सकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों से अलग रहने से समस्याएं बढ़ सकती है। एकांत में समय बिताने से समस्याओं का समाधान मिल सकता है। काम के कारण यात्रा का मौका मिलेगा और आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। पार्टनर और परिवार के बीच में अच्छी तालमेल बनाना महत्वपूर्ण है। सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है, इसीलिए सावधान रहें। आज आपकी किस्मत आपके साथ है, आप अपनी समस्याओं को कुशलता से सुलझा सकती हैं और लोगों को चौंका सकती हैं। आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित भी होंगे और आपको नए काम को मौका मिल सकता है। खुश रहें और अपने प्रियजनों के साथ खुशी साझा करें। आज कोई नया दोस्त मिल सकता है और आपका दिन मस्ती भरा रहेगा। अपने प्रयासों से जो अनुभव मिलेंगे उनका सही इस्तेमाल करके आप अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और संयम बनाए रखें। मीडिया से जुड़े कामों पर ध्यान देना होगा और अपनी गलतियों से सीखना आवश्यक होगा। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें और संयम बनाए रखें। पैर दर्द की समस्या को ध्यान में रखें और शारीरिक कमजोरी को बढ़ने न दें। सावधानियां। कभी कभी हम उदासी और डिप्रेशन जैसी भावनाओं को महसूस कर सकती हैं। अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। मेडिटेशन करना इसमें मदद कर सकता है। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना और उनके साथ समय बिताना भी हमें खुशियों को अनुभव करने में मदद कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप अपने जीवन साथी से दूर हैं तो फोन के द्वारा उनसे बातचीत कर सकती हैं, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा। आप जितनी भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपका साथी आप पर कम ध्यान दे रहा है। ये समय अपनी आदतों को सुधारने की है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए कुछ मजेदार चीज उनकी मनपसंद बना सकती हैं। अपने कमरे को सजा सकती हैं। अपने साथी को यह दर्शाने की अपने साथी को यह महसूस कराएं कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। बात करते हैं करियर की। आपका आज निर्णय आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है और अगर आप सही विकल्प का चुनाव करते हैं तो आपकी आय में अगले कुछ दिनों में काफी वृद्धि होने की भी संभावना है। आप अपने कामकाज की एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़ी हैं। ये आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसके लाभ और हानि पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करेगा और अगर आप सही विकल्प का चुनाव करते हैं तो आपको आय में सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। पिछले दिनों में तनाव और चिंता के कारण मानसिक तनाव हो सकता है जो आपके लिए काफी कठिनाई का कारण बना हो।
चाहे बाहरी स्थितियां बदलें या ना बदलें, आप अपने मानसिक तनाव को काफी कम कर सकती हैं। यह कमी आपके विचारधारा कम और रिश्तों को सुलझाने के नए तरीकों का परिणाम है। इससे आपको शांति और सफलता की भावना महसूस हो सकती है। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर चौमुखा दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।